हम तो आज मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए थे। ये जो बालक हैं 25,000 बालक हैं ग्रुप 55, 56, 57 ग्रुप सी के, इनका सिर्फ एक खटका दबना है और नौकरी मिल जाएगी। अगर भाई वो खटका दब दो तो मुख्यमंत्री जी मिले नहीं है। अध्यक्ष जी ने कहा बोला भाई अभी हम एक घंटे में बताते हैं। हमने कहा कहीं चुनाव आचार संहिता बीच में आती हो तो भाई कोई बीच में आता हो और कोई रुकवा देगा भर्ती ने तो उसने हम देख लेंगे, चाहे कोई आदमी हो और चाहे कोई पार्टी हो। ये 5 साल पुरानी भर्ती है, कोई नई भर्ती नहीं है। तो इन लड़का कर दो काम भाई, राजनीति के चक्कर में अलग अलग कोई भी पार्टी है, बेरोजगार की फुटबॉल ना बनाओ यार। हमने बेरा इस बात का, ये कोई किसी पार्टी के नहीं है, मैं किसी पार्टी का थोड़ी हूँ। आड़े पक्ष विपक्ष सब कुछ देख लिया हमने, किसका केस होता है। इन बेरोजगारों को इन बड़का ने मतलब फुटबॉल मत बनाओ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई हम अभी, उन्होंने कहा कि एक घंटे में मैं बात करके बताऊं, तो ठीक है। अगर हमने तो बहुत पहले भी कही थी भाई साहब, हम तो भंडारा भी करवा देंगे भाई, आड़े करवा देंगे, ऑफिस के बाहर करवा देंगे। इन 25,000 बड़का ने नौकरी दे, अनुमति मांगने की जरूरत है सिर्फ इलेक्शन कमीशन, उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन मांग लो, लेकिन मांग लो। हम तो ये कह रहे हैं अगर कोई समस्या ऐसी है आप चुनाव आयोग को लेटर लिख के मांग लो, जरूरत नहीं। हालांकि हाईकोर्ट ने कह रखे हैं, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है भाई साहब। और जो रोकने की कोशिश करेगा उसने आड्डा घेर गया। हम अपने आप सीधा करते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई पार्टी हो चाहे कोई आदमी हो कुछ हो, हमने कोई मतलब नहीं किसी पार्टी का आदमी था। लेकिन इन बड़काई गलत है, कई साल तक दुखी हो रहे हैं। क्या लगता है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा एक घंटे का जैसे? भाई उन्होंने कहा है आओगा तो बहुत बढ़िया, हम तो स्वागत करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? 25,000 बड़का ने अगर नौकरी मिल रहा है तो बधाई भी देंगे, स्वागत भी करेंगे। ना करते हैं तो फिर तो मार दो सड़क कर छोटा है और मार दो रखी है भाई उकड़ूर भूख और तो मार दो, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी हम तो ये कह रहे हैं सरकार का काम होता काम करना, विपक्ष का होता आवाज उठाना। ठीक है सब कुछ मरे पड़ा है, सब कुछ मुर्दा सोता है, ठीक है लोग फद्दू काटना है और किए यो है।